يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ زِندَگِي خَتَم نہیں ہوتی ہے, मौत से हमेशा की जिंदगी शुरू होती है और उसी जिंदगी के बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء। हाजिर निगरामी, मौत के बाद क्या होगा और बरज़ख के हालात के सिलसिले में सिलसिलावार दुरूस चल रहे हैं। अब तक के दुरूस में हमने ये मालूम किए कि मौत की हकीकत क्या है, सकरातुल मौत की अलामतें, सकरातुल मौत की हिकमतें क्या हैं, और फिर इसी तरह से मौत के वक्त की हालतें और उसकी कैफियतें हमने मालूम की हैं। हाजरीन, आखिरत का सफर या बरज़ख की जिंदगी का सफर शुरू होता है मौत से। मौत से ही इंसान की आखिरत का मरहला शुरू हो जाता है। जन्नत की नेमतें और जहन्नम की निकमतें दोनों के मराहिल का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है मम्मात फकद कामत कयामत, जो मर गया गोया कि उसकी कयामत शुरू हो गई है। मौत से ही कयामत का आगाज हो जाता है। बल्कि हमने ये भी मालूम किए गुज़िश्ता दुरूस में कि मौत के वक्त से ही, सकरात के हालात से ही आखिरत के मराहिल और आखिरत की नेमतें और निकमतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर हदीस जो तिर्मिजी की रिवायत है उसमें फरमाया, जब कोई इंसान इस दुनिया के आखिरी मरहले पे होता है और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, यानी इस दुनिया को बस छोड़ने वाला है और आखिरत को जाने वाला है, कदम रखने वाला है, यानी आइन मौत के वक्त में उसकी जो कैफियतें होती हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और उन कैफियतों को हमने गुज़िश्ता दुरूस में भी चंद मालूम किए हैं। इंसान के मौत के बाद उसके जिस्म को कफन हम पहनाते हैं, उसके जिस्म के कफन दफन का इंतजाम तो इंसान करते हैं मगर उसकी रूह को कफन फरिश्ते पहनाते हैं। उसकी रूह के कफन का इंतजाम फरिश्ते करते हैं। नबी ने उस हदीस में फरमाया कि मौत के वक्त में, आखिरत की पहली घड़ी और दुनिया की आखिरी घड़ी में
फरिश्ते, अगर नेक इंसान के लिए हो, फरिश्ते जन्नत से बेहतरीन कफन लेकर आते हैं और उस कफन को बेहतरीन खुशबूदार मुअत्तर किया जाता, खुशबुओं से, इत्रों से मुअत्तर किया जाता है। खूबसूरत चेहरे के साथ फरिश्ते आते हैं, उसको सलाम करते हैं, सलामुन अलैकुम, तुम पाकीज़ा है, तिब तुम या तय्यबीन, तुम पाकीज़ा हो, तुम्हारे अखलाक व किरदार पाकीज़ा थे, तुम्हारे अकायद पाकीज़ा थे, तुम्हारे आमाल पाकीज़ा थे, तुम अच्छे इंसान हो, लिहाजा तुम्हें अच्छाइयों का सिलसिला अभी से शुरू किया जा रहा है। तो जन्नत की नेमतें उसको दिखाई जाती है और यहीं से गोया कि आखिरत की नेमतों का फायदा उठाना शुरू करता है। और अगर बुरा इंसान है, जहन्नम के टाट के साथ फरिश्ते डरावनी शक्ल सूरत के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं और बहुत मुश्किल के साथ मारते पीटते सख्ती के साथ उसकी रूह को निकाला जाता है और जहन्नम के बदबूदार टाट में लपेट के उसको ले जाया जाता है, गोया कि यहीं से उसके अजाबात का सिलसिला भी शुरू हो गया, जैसे कि हमने कल मालूम किया है। तो मौत से ही, बल्कि मौत के वक्त से ही अच्छे इंसान को नेमतें मिलनी शुरू हो जाती है और बुरे इंसान के लिए जहमतें और तकलीफों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यह सिलसिला शुरू होता है, बरज़ख की जिंदगी का आगाज होता है कब्र से, कब्र से। तो आइए हम आज, और अगर आज मुकम्मल ना हो सके तो कल कब्र और कब्र से मुताल्लिक अहवाल के ताल्लुक से हम मालूम करते हैं, क्योंकि एक इंसान की वफात के बाद उसको ले जाया जाता है सबसे पहले कब्र में। हाजरीन, इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक ही उसका जिस्म और दूसरा है उसकी रूह। इन दो चीजों का मुरक्कब है, इनमें से एक दूसरे से जुदा हो जाए तो उसी को मौत कहा जाता है। जिस्म में अगर रूह ना हो, रूह जिस्म से जुदा हो, अलग हो, तो उसी को डेड बॉडी कहा जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है। और इंसान के मरने के फौरन बाद सबसे पहले जो चीज उससे खत्म होती है वो है उसका नाम, उसका नाम। ये नेम और फेम के लिए हम क्या क्या करते हैं ना। तो याद रखिए, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि इंसान मरता बाद में है, सबसे पहले उसकी जबान पड़ती है ना, पहले जबान उसकी लड़खड़ाती है, इसीलिए जिंदगी भर जबान का सही इस्तेमाल करना और जिंदगी सुकून से जीने से बढ़कर अहम है मौत सुकून से आए, सुकून से मौत आ जाए ये ज्यादा अहम है सुकून से जीने के बजाय। और मौत से जिंदगी का खातिमा नहीं होता है, मौत से हमेशा की जिंदगी की शुरुआत होती है। हाँ, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आए तो किधर जाएंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, तो ये जो मौत, इंसान जब मरता है सबसे पहले उसका नाम चले जाता है, रूह निकलते ही, रूह के परवाज करते ही। अब कोई नहीं कहता है कि अब्दुल्ला कहां है, अब्दुल्ला कब आएगा घर, कहता है नहीं, लाश कब आएगी, मैयत को कब उठाया जाएगा, है ना, मैयत को कब लाया जाएगा, डेड बॉडी कब आएगी, नाम नहीं बोलता है, करीबी रिश्तेदार भी नहीं बोलता है, बेटा भी नहीं बोलता है, हॉस्पिटल से अब्बा जान कब आएंगे, है ना। सोचने की बात है मेरे भाइयों, ये नाम, ये शोहरत, ये नेम और फेम कहां, सबसे पहले ये खत्म होता है। फिर उसके बाद इंसान का बना हुआ ये जिस्म जो मिट्टी से बना है, इंसान का ये जिस्म मिट्टी से बना है, अल्लाह ने इसकी हर जरूरत मिट्टी पर रखी है। इंसान किस जिस्म को गिजा चाहिए, मिट्टी से है, पानी चाहिए मिट्टी से है, हवा रोशनी चाहिए मिट्टी में मिलती है, यहां इसको आराम करना है मिट्टी में ही आराम करता है, घर में हो, बेड में हो, कहीं कहीं भी हो, जिस्मानी जरूरत और जिस्म की हर चीज का इंतजाम अल्लाह ताला ने मिट्टी से किया है। और ये जिस्म आखिरकार मर के कहां जाना है, मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है।
अल्हाकुम अत्तकातुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादा ज्यादा और के धुन ने तुमको गाफिल कर दिया है, यहां तक के कब्र पहुंच गए। नबी ने फरमाया ये इंसान जो मिट्टी का बना हुआ है ना, इसके ख्वाहिशात आरजुएं खत्म नहीं होती है, हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आगा अपनी मौत से कोई फर्द बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई फर्द बशर नहीं, सामान सौ बरस का एक पल की खबर नहीं। हा, याद रखिए मेरे भाइयों, तो इंसान इस जिस्म के लिए क्या क्या जतन करता है, क्या क्या इंतजाम करता है, आखिरकार इस जिस्म को मिट्टी पे जाके मिलना है। और दूसरी चीज है रूह, अल्लाह ने इस रूह को अपने पास से भेजा है। रूह कब आती है? सही मुस्लिम की हदीस है, मां के पेट में बच्चा जब 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, अल्लाह तबरक ताला फरिश्ते को भेजता है, फरिश्ते जाओ जाकर रूह फूंक के आओ और उसके नसीब के बारे में चार चीजें लिखकर आ जाओ। तो इसे अय्याम में खवातीन को चाहिए, हामिला औरतों को चाहिए कि अपनी औलाद के नेकी के लिए, नेक नामी के लिए, नेक नसीबी के लिए दुआ करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, ना कि वक्त को अनाप शनाप चीजों में जाय और बर्बाद करें। तो रूह कहां से आई? अल्लाह के पास से। और इस रूह को आखिरकार कहां जाना है? अल्लाह के पास जाना है। अब अल्लाह ने अपने पास से रूह को भेजा, सारी रूहों को भेजा, अच्छी हो या बुरी हो। अब जो अच्छी रूह है वो प्रवास करके जन्नत तक पहुंचने वाली है, अल्लाह ताला के यहां पर जाकर अल्लाह से मुलाकात करने वाली है। कल मैंने अर्ज कर दिया कि मौत के वक्त में नेक इंसान जब आखिरत के मनाजिर, जन्नत के मनाजिर को देखता है, वो तमन्ना करता है कि अल्लाह मैं तुझसे कब मिलूं। अल्लाह अकबर। जैसे कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु का वाकया मैंने कल अर्ज किया कि खुशी से झूम रहे हैं मौत के वक्त में और कहा गदन अलका हिब्बा, अपने महबूब से कल मिलने जा रहा है। और जो बुरा इंसान है उसकी रूह, अल्लाह कहता है चलो मैंने तुझे तो भेजा है अपने पास से, लेकिन तूने इस रूह को गिजा नहीं दी है और इस रूह, ये रूह मेरे पास आने के काबिल और लायक नहीं है, उसको दुनिया में फेंक दो। फेंक दिया जाता है जमीन के नीचे तह में, सिज्जिन में इसको कैद कर दिया जाता है। हमारा ये इंसान जो दो चीजों का मुरक्कब है, एक है जिस्म मिट्टी से बना हुआ और रूह जो अल्लाह के पास से आई हुई है। रूह की हकीकत क्या है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। वह यसअलूनका अनिर रूह, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग ऐ नबी आपसे पूछते हैं रूह के ताल्लुक से, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिन अल इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं दिया गया इल्म रूह के ताल्लुक से, रूह का मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हवाले है। आज तक साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद, इतने मशीनरीज और इतने आलात के बावजूद, आज तक किसी ने यह मालूम नहीं कर सका कि इंसान की रूह की हकीकत क्या है। रूह की हकीकत क्या है, कब रूह प्रवास करती है, कैसी उसकी कैफियत है, आज तक ना मालूम कर सका ना कर सकती है दुनिया। हमारा यह जिस्म जैसे थकता है, इसको जैसे आराम चाहिए, इसको जैसे रिफ्रेश होना चाहिए, इसको जैसे गिजा चाहिए, इसको जैसे दवा चाहिए, हमारी रूह भी थकती है। रूह को भी दवा चाहिए, गिजा चाहिए, आराम चाहिए, बीमार होती है उसको भी इलाज करना चाहिए। जिस्म के आराम के लिए हम दुनिया में जमीन पे आराम कर लेते हैं, इसको तकवियत पहुंचाने के लिए गिजा इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके इलाज के लिए दवा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, रूह की गिजा, रूह की दवा और रूह को इलाज करने के लिए हमें क्या करना है? अल्लाह ने जिस्म को मिट्टी से बनाया, इसकी हर जरूरत मिट्टी पर रखी, आखिरकार मिट्टी में मिलना है। रूह को अल्लाह ने अपने पास से भेजा और इस रूह की गिजा भी अल्लाह ताला ने अपने पास से भेजा है, ये रूह की गिजा है और अल्लाह ने इसको रूह करार दिया। وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا رُوحًا, अल्लाह ने कहा ऐ अल्लाह ऐ नबी हमने आपकी तरफ रूह की वही की है। रूह का किसको? कुरान को।
कुरान को अल्लाह ने रूह कहा है, ये रूह है, रूह की गिजा है ये। क्यों? रूह अल्लाह के पास से आई है, ये कुरान भी अल्लाह के पास से आया हुआ है, इसमें रूह की गिजा है, रूह की दवा है, रूह का इलाज है और रूह के हर तरह की जरूरत इसके अंदर है। लेकिन आज के इंसान सिर्फ जिस्म को अच्छा संवारता है, जिस्म की गिजा दवा का इंतजाम करता है, जाहिर में टिप टॉप नजर आता है लेकिन अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, जाहिर में बड़े ओहदे पर फाइज हैं लेकिन उसकी मेंटालिटी घटिया है, उसकी आदत अतवार देखो बहुत ना गया गुजरा है, इंसानियत दोज है, इंसानियत को शर्मसार करने वाले उसके हरकतें और आदतें होती है। क्यों? उसने जिस्म को गिजा तो दिया है, रूह को गिजा नहीं दिया है, रूह को गिजा नहीं दिया। आज बहुत जरूरत है मेरे भाई, रूह को गिजा दो। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह सुबह के अस्कार करते और कहते ये मेरी गिजा है, ये मेरा नाश्ता है। हां, अस्कार को कहते ये मेरे लिए नाश्ता है। और एक पते की बात याद रखना, पते की बात याद रखना, जिक्र अस्कार जहां रूहानी गिजा है, जिस्मानी गिजा भी है, जिसे रूह को तकवियत पहुंचाते हैं, जिस्म को भी ताकत पहुंचाते हैं। कौन अस्कार? दलील चाहिए, मैं देता हूं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने इससे पहले की जो सीरीज है उसमें भी इसको जिक्र किया या शायद कहीं अधूरा रह गया होगा। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सही हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाती हैं और उनको मालूम हुआ कि अब्बा हुजूर के पास, अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं। तो चलिए अब्बा जान के पास जाते हैं और जाने के बाद एक गुलाम लेकर आते हैं, क्योंकि पानी ढोते ढोते हाथ में छाले आ गए, चक्की पीसते पीसते हाथ में दर्द है, बहुत तकलीफ होती है। जाकर कहा, अब्बा जान ये मेरी हालत है, आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बहुत सारे गुलाम आए हुए हैं, मुझे भी गुलाम दे दीजिए ना। अल्लाह अकबर, नबी के इंसाफ का तकाजा देखो। नबी ने कहा, फातिमा तुम मेरे लख्त जिगर हो, जो चीज तुम्हें नाराज करे वो मुझे भी नाराज करें, जो तुम्हें खुश करे वो मुझे भी खुश करें, लेकिन मैं इंसाफ के लिए मजबूर हूं। तुमसे ज्यादा मुस्ताहिक ये मेरे गरीब दूसरे मोहताज मुसलमान भाई हैं, लिहाजा मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं। अल्लाह अकबर, क्या इंसाफ है मेरे भाइयों, कहां मिलेगा। उसके बाद इंसाफ की बात करेंगे और बहुत दूर तक बात जाएगी। असल जो चीज यानी फिजिकली भी ताकत मिलती है अस्कार से, वो मैं बताना चाह रहा हूं। हज़रत फातिमा को फिजिकली तकलीफ थी ना, हाथों में दर्द परेशानी थी। नबी ने कहा, बेटा बेटी एक काम करना, गुलाम तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, अलबत्ता एक नुस्खा एक कीमिया दे सकता हूं। तुम जब बिस्तर पे जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लेना और सो जाना, तो तुम्हें यह जिस्मानी गिजा है, जिस्मानी ताकत तुम्हें मिलेगी। अल्लाह अकबर, शिकायत जिस्म के ताल्लुक से थी ना, इसीलिए हजरत अली कहते हैं कि घमासान की लड़ाई के वक्त में भी मैं कभी भी इन अस्कार को छोड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर, तो रूहानी गिजा के साथ साथ जिस्मानी गिजा भी मिलती है अस्कार, जिक्र अस्कार से। इसका एहतमाम करके देखें आप थका मांदा थका चूर है बिस्तर पे गए हुए हैं, आप इस पे अमल करके देखें, अमल करके देखें, ज्यादा देर नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट लगेगा, पढ़ लो, पढ़ के सो जाओ। अल्लाह अकबर, देखो ये गिजा है, अस्कार, दुआएं, इबादत, तिलावत, नेक काम, सदका तो खैरात, ये रूह की गिजा है, ये रूह की गिजा है। इस रूह को गिजा पहुंचाओ, इस रूह को तकवियत पहुंचाओ, रूह को जब तकवियत पहुंचाओगे ये रूह अल्लाह के पास जाएगी, ये रूह अल्लाह के पास जाएगी। और अगर तुमने उसको तकवियत नहीं पहुंचाया, ये रूह बीमार पड़ेगी, कमजोर होती जाएगी, आखिरकार नुकसान होगा। बहरहाल आज हम कब्र तक पहुंच ही नहीं पाए, यानी इंसान के जिस्म और मौत के वक्त की हालतों पे ही रह गए। इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको जिस्म के साथ साथ रूह को भी गिज़ा देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा हमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।